नमस्कार आदाब, न्यूज क्लिप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ी है मरियम धावले, जो कि अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की जनरल सेक्रेटरी है। वो हमसे बात करेंगी कि ये जो भारत में लॉकडाउन चल रहा है उसका महिलाओं की जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़ा है, खासकर प्रवासी मजदूर महिलाएं, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, फिर एग्रीकल्चरल वर्कर्स, इन सभी महिलाओं की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। तो मरियम, अगर हम प्रवासी मजदूर महिलाओं की बात करें तो अभी हम देख रहे हैं कि कितने माइग्रेंट वर्कर्स चल दिए हैं शहरों से अपने घरों की तरफ, मीलों की दूरी तय करके वो चल के जाने को तैयार हैं और कोई चारा नहीं बचा उनके पास। तो आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसमें कितनी महिलाएं और उनकी जीवन पर अभी क्या असर पड़ रहा है? सबसे पहले जो ये लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ है, अब ये वायरस की वजह से ये करना जरूरी था ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से उसको घोषित किया गया बिना कोई तैयारी के, उसका बहुत ही बुरा असर खास करके गरीबों की जिंदगी पे पड़ा है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जिंदगी में जो बेहाली आई है और जिसकी जिम्मेदारी सरकार की है, बिना कोई प्लानिंग किए आप लोगों को ऐसे ही अपने ही बलबूते पे छोड़ देते हो, तो ये पूरा माहौल तैयार हुआ है। अब दुख की बात ये है कि 22 माइग्रेंट्स इसमें उनकी मौत हो गई। ये हर बार मोदी सरकार ने करा है, डिमोनेटाइजेशन के वक्त भी 100 लोगों से ऊपर की मौत हो गई, अभी भी मौत हो गई, और कितने लोग मरेंगे पता नहीं है, क्योंकि इतनी कठिन परिस्थिति में है। अब यहाँ पर शहरों के अंदर फैक्ट्रियां बंद हो गई, जो एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे थे बंद हो गए हैं, और वहां पे जो मालक है वो मालक तो चला गया उनको छोड़कर। अब हमें भी कितनी बार कितनी कहाँ कहाँ से फोन आ रहे हैं, हम यहाँ पे भूखे बैठे हैं, हमको कोई मतलब रहने के का ठिकाना तक नहीं है, रस्ते पे है लोग, जब रेलवे स्टेशन पे जाते हैं सोने के लिए वहां पुलिस भगा रही है, रस्ते पे आते हैं वहां से पुलिस भगा रही है, ये जाएंगे कहाँ? तो ये परिस्थिति हमारे जो मुल्क में आज तैयार हुई है ना, ये एक बहुत शॉकिंग सिचुएशन, जो सीन्स देखे गए हैं, ऐसा हो सकता है गरीबों के साथ हमारे मुल्क में? ये मतलब विश्वास नहीं हो सकता है कि हम इंसान को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। आपने देखा बरेली के अंदर जिस तरह से पुलिस वो डिसइंफेक्टेंट उनके ऊपर स्प्रे कर रही है, ये मतलब हम इंसान को इंसान की तरह भी नहीं ट्रीट कर पा रहे। ये हमारे मुल्क का आज हालात है, ये तो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। अब जिस औरतें जो है, दो तरह की है यहाँ पे, जो औरतें काम करती है उन औरतों के बलबूते पे उनका परिवार चलता है, वो खत्म हो गया है। और जो गांव के अंदर औरतें रहती है, जो सिंगल एकल महिलाएं है या बुजुर्ग महिलाएं है जिनके बच्चे या पति यहाँ पे शहरों में काम कर रहे हैं और वो पैसे यहाँ से भेजते हैं, वो उनके पास ऐसा नहीं होता है कि बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होता है। जो भी पैसा आता है वो एक सब्सिस्टेंस लिविंग होता है, मतलब जो रोज की जिंदगी जीता है इंसान उस तरह से। अब वो पैसे आना बंद हो गया है, तो वहां पे गाँव के अंदर अपने घर चलाने की जो जिम्मेदारी या जो मेंटल प्रेशर ट्रॉमा जो आ रहा है उसको भी हैंडल करना पड़ा है। तो दोनों जगह पर, यहाँ पर भी जो औरतें काम करती है, और औरतों के ऊपर आप देखिए ज्यादातर जिम्मेदारी आती है, तो जो भी पूरा खाना मुहैया कराना, राशन के दुकानों में जाना और घर के अंदर खाना बनाना, अब ये जो पूरा प्रेशर है हमारे बच्चों को खाना देना, घर के लोगों को खाना देना, अब वो वहां पे अगर मिल नहीं रहा है तो आप यकीन नहीं कर सकते हो किस तरह से मेंटल ट्रॉमा के अंदर आज औरतों की जिंदगी बीत रही है ये लॉकडाउन के पीरियड में, और इसकी कोई भी तरह से तैयारी नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में आवाज उठने के बाद अब कहीं कहीं पे थोड़े खाने का इंतजाम किया गया है, और पहले तो सरकार नहीं आई, पहले तो आम लोग आए, एनजीओ आए, महिला संगठने आई, जो जिन जिनका दिल सही जगह पर है वो लोग आगे आए और इस गरीबों की मदद करने की कोशिश की, बाद में सरकार उतरी। तो औरतों के अंदर ये पूरा प्रेशर आज जो बढ़ रहा है ना, स्पेशली माइग्रेंट लेबर बहुत ही असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही है,
इतने सारे किलोमीटर चलना, अब चलते वक्त बच्चों का जो देखभाल करना है, इसमें औरतों के खुद की जो परेशानियां होती है, वो बच्चों का देखभाल करे, लगेज उठाए, और रात पे रास्ते पे सोना है, उनकी असुरक्षित जो माहौल पैदा होता है, उस तरह से अभी कुछ बाहर आया नहीं है, लेकिन औरतों का जो यौन शोषण भी होता है ऐसे माहौल के अंदर, ये भी एक बात उसके जिंदगी के साथ में खिलवाड़ होती है ऐसे परिस्थितियों में। तो ये सब जो बातें है, इस बातों से औरतों का बहुत ही हालात बहुत ही कठिन करके रख दिया है सरकार ने, ये बहुत स्पष्ट तरीके से देखने को मिलता है। और हम बाकी क्षेत्रों की बात करें तो एक तरफ तो आंगनबाड़ी वर्कर्स और टीचर्स वगैरह भी हैं, जो सरकारी टीचर्स हैं, और काफी उनकी कंप्लेंट्स आई कि उनको अपने वेतन समय पर नहीं मिले, और दूसरी तरफ हमारे पास आशा वर्कर्स भी है जिसमें काफी हद तक महिलाएं ही हैं, और वो तो इस COVID-19 के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें सबसे आगे खड़े हैं, तो उनके बारे में भी आप क्या बता सकते हैं, अभी क्या चल रहा है? ये हेल्थ वर्कर्स जो है, स्कीम वर्कर्स जो है, आज हेल्थ वर्कर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और इसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में औरतें हैं, नर्सिंग स्टाफ है, आपने आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, ये सभी जो लोग आज इसमें इन्वॉल्व है, इसके अंदर हेल्थ वर्कर्सों की हेल्थ की जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है ना, प्रोटेक्टिव गियर इनके पास नहीं है। हमने देखा है बहुत सारी जगह पे, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी की और हेल्थ आशा वर्कर की, महिला समिति के वर्कर्स है, ये सब जो इन्वॉल्व है इसके अंदर, ये कह रहे हैं कि जो कोरोना वायरस से अफेक्टेड पेशेंट है, जो एडमिट है, उनको जाकर कुछ देखभाल करना है, मॉनिटर करना है, तो ये जा रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं है, तो ये प्रोटेक्टिव गियर तो मुहैया कराना चाहिए। अब उनकी खुद की जो पूरे परेशानियां है आज घर के अंदर लॉकडाउन की वजह से, मतलब औरतों के ऊपर तो एक्चुअली घर में लॉकडाउन हो गया है, तो घर के अंदर की पूरी जिम्मेदारी तो डबल बढ़ गई ना, क्योंकि घर के सभी लोग घर के अंदर है, तो उनका सभी का तो चीज, और अभी वर्क फ्रॉम होम भी उन्होंने शुरू कर दिया है। अब वर्क फ्रॉम होम आप कहोगे तो वो घर में अपनी नौकरी का कामकाज भी कर रही है और घर के लोगों का भी पूरा जिम्मेदारी उठा रही है, और घर में आज सब लोग हैं, बच्चे से लेके पति से लेके बूढ़े तक सब लोग हैं, तो इन सभी के एक्सपेक्टेशंस को भी पूरा करना, तो औरतों का तो काम और प्रेशर बहुत ही ज्यादा ही बढ़ गया है। दूसरी बात, अभी ये जो स्कीम वर्कर्स जो जा रहे हैं, उनको हाउस टू हाउस जाना पड़ रहा है, कहीं पे मॉनिटर करना पड़ रहा है, उनके ऊपर जो प्रेशर है कामकाज का, ये प्रेशर के अंदर उनकी सिक्योरिटी की बात कहीं नहीं की जा रही है। तो ये जो सरकार का काम करने का जो तरीका है ना, अनथिंकिंगली हमारे प्रधानमंत्री ने जो घोषित कर दिया बिना सोचे समझे कि इसका असर क्या होने वाला है आम लोगों के ऊपर, लाखों की तादाद में लोग निकल पड़े अपने अपने घरों के तरफ, तो इस बिना सोचे समझे कुछ चीज बोल देना और फिर सिर्फ अभी कह दिया सॉरी लेकिन ये करना जरूरी था। अरे भाई, जो जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो रोज मजदूरी से जीते हैं, उनके बारे में ये करने के पहले कुछ बयान तो करना था, उनकी जिंदगी में क्या होने वाला है उसके बारे में तो पूरा नजरअंदाज कर दिया ना ये सरकार को, तो गरीबों के बारे में तो कुछ है ही नहीं उनका, उनकी भूमिका, तो उसकी वजह से आज ये पूरा हालात तैयार हुआ है। अब ये माइग्रेंट लेबर की दूसरी बात जो है, जिस तरह से वो चल रहे हैं वहां पर, अभी बाद में उन्होंने बसेस वगैरह कराई, लेकिन पुलिस का जो व्यवहार उनके साथ रहा है, पुलिस ने जिस बेरहमी से लाठी चार्ज हो, या ये भूखे लोग आए नहीं है तीन तीन चार चार दिन, उनके ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है, उनको अब्यूज किया जा रहा है, तो ये इस तरह का निर्दय व्यवहार जो हुआ है ये लॉकडाउन के पीरियड में, बहुत सारी चीज एक्सपोज किया है हमारे देश के बारे में, कि गरीबों के लिए जगह जो होनी चाहिए एक सिटीजन के तौर पे, एक इंसान के तौर पे, वो जगह मुहैया नहीं किया है ये सरकार ने। दूसरी बात कि जो बूढ़े लोग हैं,
उनके बारे में आप क्या सोच रहे हो? अभी वो 90 साल की औरत वो दिखी टीवी पे चल रही है अपने घर राजस्थान जाने के लिए, ऐसे बुजुर्ग लोगों के बारे में, उनके राहत के बारे में कोई वहां पे पहलकदमी दिख नहीं रहे है ना सरकार की तरफ। तो ये पूरा जो एक्चुअली हुआ है, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने क्या अनाउंस किया उनके इसके अंदर, उसके पहले भी 2 टाइम प्रधानमंत्री ने भाषण दिया है लॉकडाउन के बारे में, और ये पहला जनता ये क्या बोलते हैं उसको, जनता लॉकडाउन और फिर बाद में लॉकडाउन कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू। तो दोनों टाइम उन्होंने लोगों के लिए क्या करने वाले हैं ये तो कुछ कहा नहीं उन्होंने, उनके भाषण में कुछ नहीं था। और निर्मला जी ने 500 रुपया 3 महीने में देंगे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के औरतों को, 500 रुपये से क्या होता है? 20 रुपया मनरेगा का वेज बढ़ाएंगे, अरे 20 रुपया क्या होता है? ये जो एक हंसी मजाक है गरीबों के साथ, गरीबों के साथ उनकी उनका उनकी हंसी और मजाक उड़ाया जा रहा है। आप सीरियस हो? ये सरकार सीरियस बिल्कुल नहीं है जिस तरह से बयान दे रही है। तो ये भी बात एक हुई है इसके अंदर। अब इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर उनका क्या होने वाला है? अब वो काम तो पूरा बंद है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जो खाना बनाते हैं, जो फैमिलीज है सिटीज के अंदर, औरतें कुछ बनाती है खाना और पति बेचता है, जैसे वड़ा पाव होगा या वड़ा या कचौरियां या इस तरह से, ये बहुत सारी चीजें होती है, डिलीवरी बॉयज जो होते हैं, अब इनका सबका काम बंद है। ये कितने महीने तक रहेगा ऐसा पता नहीं है, वो वापस आने से उनको काम वापस मिलने वाला है ये भी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये पूरा जो स्टार्वेशन का जो उनके सामने एक चित्र भी खड़ा हुआ है ना, ये बहुत भयानक चित्र है। इससे क्या आगे के दिनों में और होने वाला है लोगों की जिंदगी के साथ, ये अभी नहीं कह सकते हैं, ये कुछ दिनों में पता चलेगा कि किस तरह से ये पूरा माहौल उसका इम्पैक्ट होने वाला है। क्योंकि लोगों के पास तो पैसा अभी बिल्कुल है ही नहीं, ये तो हकीकत है, कैसे कैसे वो घर कैसे चलाएंगे, खाना कैसे खाएंगे? उनको खाना देना ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी आज है सरकार, जो वो बिल्कुल ठीक तरह से निभा नहीं रही, उनकी प्रायोरिटी है। उसके लिए पैसे दीजिए, पैसे भेजिए, बजट एलोकेशन की मतलब एलोकेशन कीजिए, लेकिन वो उस तरह की बातें न प्रधानमंत्री के स्पीच में न फाइनेंस मिनिस्टर के स्पीच में आगे आई है। तो ये बातें जो है उसके लिए, औरतों के लिए तो बहुत ही असुरक्षित आज माहौल हो गया है। दूसरी बात इसके अंदर है कि अभी न्यूज ऐसे आ रहे हैं बहुत सारी जगह से कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी बहुत बढ़ गए हैं। अब घर में है, घर के अंदर हम जानते हैं कैसे माहौल रहते हैं, अब्यूजिव माहौल में औरतें जब बाहर निकल भी सकती है कंप्लेन करने के लिए या कुछ राहत मांगने के लिए, ये बहुत भयानक परिस्थिति हो गई है जिस तरह से लॉकडाउन के अंदर। अब ये सभी बातें आगे आएंगी बाहर के क्या हुआ है हिंसा के मामले के अंदर औरतों के साथ। तो ये सब चीजें जो है ना, औरतों का ये पूरा जो असर पड़ा है लॉकडाउन के अंदर, बहुत ही बेरहम और बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो गई है। और इस सब में फिर अब आइडवा की क्या मांगे हैं इस सिचुएशन को थोड़ा बेहतर करने के लिए? एडवा की तरफ से हमने पहल कदमी की और बाकी की सभी महिला संगठनों के साथ में प्रधानमंत्री को हमने एक निवेदन भेजा है, जहाँ पे हमने ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस सबसे पहले राशन, उन्होंने कम से कम 10 किलो राशन सब फैमिलीज को देना चाहिए तुरंत, अभी तक मिला नहीं है। उन्होंने डिक्लेयर किया है हम फ्री राशन देंगे, लेकिन मिला नहीं है, ये हकीकत है। क्योंकि उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पूरी यंत्रणा ही जो है ना, जिस तरह से अभी फॉर एग्जाम्पल केरला के अंदर आप देखिए, इमीडिएट राशन, कुक्ड मील्स के लिए उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप को वहां पे आगे लाकर कुक्ड मील्स सभी को वो देंगे, उस तरह से उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया। आज लगभग 4,700 या 5,000 कैंप्स उन्होंने शुरू किए, जो बेघर लोग हैं और जो माइग्रेंट लेबर वहां पे काम करता है उनके लिए,
बजट पैसे का एलोकेशन किया है, जो ये प्रोएक्टिव होना चाहिए सरकार का। सरकार का काम है ना इस टाइम पे आगे आके लोगों को बताए कि आपको, आप बेसहारा नहीं हो। ये मोदी सरकार ने बिल्कुल नहीं किया, उनके ऊपर छोड़ दिया है। और अभी पीएम केयर करके उन्होंने एक नया खोला है, ऑलरेडी प्रधानमंत्री रिलीफ फंड का तो है ही, लेकिन ये नया ये शुरू किया है उन्होंने। अब पता नहीं उसमें से कौन सा पैसा कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी तो ये सरकार के लिए कुछ है ही नहीं। अब हमने मांग की है राशन आप इमीडिएटली दोगे, सभी एसेंशियल आइटम्स जो होती है, जैसे तेल है, मसाला है, सब स्पाइसेस है, ये आप दोगे। हेल्थ फैसिलिटीज, जो लोकल हेल्थ फैसिलिटीज है, कई जगह पे डिस्पेंसरीज बंद है, डॉक्टर्स नहीं है। आप सिर्फ कहीं पे एक जगह पे आप किए हो टेस्टिंग का फैसिलिटी, या कहीं पे जो बीमार हो जाएगा वो कहाँ जाएगा, तो लोकल जो फैसिलिटीज है उनको आप रजिस्टर कीजिए, और वहां पे औरतें जा सके अपना टेस्टिंग के लिए या अपना इलाज के लिए। आज वो नहीं है, कहीं पे जाना है वो कहते हैं कि आप बहुत सीरियस केस नहीं हो, आपका टेस्ट नहीं करेंगे। टेस्टिंग कहाँ हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर ठीक तरह से? टेस्टिंग नहीं हो रहा है। तो ये बात है। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आप जो भी कर्जा है वो कर्जा आप उनका, या जो इंटरेस्ट होता है वो बिना इंटरेस्ट कर दीजिए। फिर जिन्होंने कर्जा लिया है वो कर्जा अभी वो भर नहीं सकते हैं, तो उसका आप पूरा रोक लगाइए कलेक्शन के ऊपर, ये सभी। फिर जो टेनेंट्स है, टेनेंट्स को कई घरों से निकाला जा रहा है, उनको रेंट फ्री रहने को मिलना चाहिए। फिर डोमेस्टिक लेबर जो है, जो घरों के अंदर जाके बर्तन और कपड़े धोते हैं, कई जगह पे उनको कहा गया है कि आप अभी जब तक नहीं खुलेगा तब तक आप नहीं आओगे, लेकिन उस टाइम का आपको पगार नहीं मिलेगा, वेज नहीं मिलेगा। तो फिर वो कहाँ जाएगी, उसका तो घर उसको चलाना है ना। तो जो डोमेस्टिक लेबर है, घर में काम करने वाली औरत, उसको तो उसका पेमेंट मिलना चाहिए। उसके बारे में पहलकदमी करने की सरकार की जरूरत है। तो ऐसी कई मांगे हमने, 10-15 मांगे हमने वहां पे डाली है, माइग्रेंट लेबर के बारे में डाली है। उनकी उनकी सुरक्षित जिंदगी का की जिम्मेदारी इस सरकार की है, उसके लिए जो भी सरकार ने करना चाहिए वो पहलकदमी तुरंत करनी चाहिए। रहने का इंतजाम, आप कह रहे हो कि गांव में मत जाओ, फिर यहाँ पे रहेंगे कहाँ पर? वो रास्ते पे तो नहीं रह सकते हैं। जिस तरह से ये पूरा इन्फेक्शन बढ़ रहा है, वो इन्फेक्टेड न हो उसके लिए भी तो इंतजाम करना पड़ेगा। तो वो इंतजाम सब उन्होंने करना चाहिए। हमने प्रधानमंत्री को लिखा है, एक निवेदन भेजा है, एडवा के यूनिट्स जो है अलग अलग जगह पे हमारे स्टेट्स के अंदर, हमारी जो प्राथमिक इकाइयां हैं गांव में, बस्ती में, वहां पर जो स्लम एरियाज में है, जो गांव में है, जहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, खास तौर पे शहर के अंदर जो ये रोज मजदूरी करने वाले लोग हैं, वहां पर हम खाना जमा कर रहे हैं, या कहीं पे जो ड्राई राशन है वो जमा करके खाना पका कर उन लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे एक्टिविस्ट हर एक जगह पे, हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग जगह पे अपने बलबूते पे ये पहलकदमी कर रही है। हमारे बाकी के जो हमारे फ्रेटर्नल ऑर्गेनाइजेशन है, कई कई उनके साथ में मिलकर भी हम कर रहे हैं, जैसे DYFI है, किसान सभा है, CITU है, या हमारी आंगनवाड़ी की यूनियन है, सब साथ में मिलके भी कर रहे हैं। कहीं पे एडवा जहाँ पे है वो एडवा अपने बलबूते पे भी कर रही है। तो ये सब चीजें, फिर मास्क है, सैनिटाइजर्स है, ये ग्लव्स है। तो ये जो औरतें हर एक जगह पे कचरा जो उठाती है, वो आप देखिए किस तरह से कचरा उठाती है, उनके पास कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं है। तो ये सभी सवालों को लेकर जनवादी महिला समिति पहलकदमी कर रही है। कहीं कहीं पे कलेक्टर को जाके मिली है, जहाँ पे ये लॉकडाउन के पहले वो जो मिलने का कोई जरिया था उस वक्त मिली है, उन मेमोरेंडम्स दिए हैं। कहीं पे राशन के दुकानों पे गई है, राशन इंस्पेक्टर्स को मिलने की कोशिश की है, फोन किया है कि आप भेजिए अनाज। तो ये बातें पहलकदमी ग्राउंड लेवल पे एडवा कर रही है। शुक्रिया मरियम आजम से बात करने के लिए।